हे गाइस, दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 अगस्त और मैं हूँ मैंगलोर में। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग फटाफट उडुपी के लिए निकलेंगे। उडुपी जाते वक्त जो रास्ते में सीनिक ड्राइव है, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वो सी के साइड से आपको जाना पड़ता है, तो वो सब आज आप देखेंगे। और आज फुल डे उडुपी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मॉर्निंग में यहाँ जो हम फॉर्म स्टे में रुके हुए हैं, वहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं रोड पे। तो ये देखिए, रूम के बाहर ही ब्रेकफास्ट वगैरह लगा दिया है। यहाँ पर ये रही कॉफ़ी, और उसके साथ देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर देखिए ये डोसा है, और बाकी इस डिश का नाम तो मुझे नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। और इसके अंदर दिस इज समथिंग न्यू, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। और बाकी हाँ, इसके अंदर तो सांभर दिख रही है मुझे। हे गाइस, सो फाइनली मैं उडुपी के फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, जो कि है कापू बीच। कापू बीच मैंगलोर और उडुपी के ऑलमोस्ट बीच में ही पड़ता है। उडुपी से आप लोगों को करीब ये 22 से 23 किलोमीटर पड़ेगा। आप मैंगलोर से उडुपी जाते वक्त भी इस बीच को विज़िट कर सकते हैं। बेसिकली ये बीच एक कापू टाउन में है, जहाँ पर ये मेरे पीछे जो लाइट हाउस दिख रहा है, ये 1901 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। बेसिकली वॉच टावर इसलिए बनाए जाते थे, कोई इनमी शिप या कोई और भी शिप आ रहे हैं तो उनको पता चल सके कि भाई सीशोर आने वाला है। बाकी एक बहुत बड़े रॉक बोल्डर पे भी बनाया गया है, ताकि बाकी शिप्स को पता चल सके कि आगे एक बिग रॉक है, तो वो अवेयर हो सके। तो चलिए बाकी आपको ये बीच दिखाते हैं और ट्राई करेंगे कि इस लाइट हाउस के भी ऊपर जा सके। इस समय दिन के करीब 12-1 बजे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो आई थिंक अभी इवनिंग तक काफ़ी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। लाइट हाउस पर ऊपर जाने के लिए यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है, और आई थिंक ऊपर टिकट वगैरह भी है इसके ऊपर चढ़ने के लिए। देखते हैं अलाउ करते हैं कि नहीं जाना। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, इसीलिए ये लाइट हाउस बनाना बहुत ही ज़रूरी था। इवन आई थिंक ये उधर से ही काट करके रखी गई हैं और नेचुरली फॉर्म्ड, आई डोंट नो, बट द व्यू इज़ रियली मैग्निफिशेंट। नीचे से देखना और इस लाइट हाउस के ऊपर से आकर के देखना, दोनों ही डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। और यहाँ से देखिए ये लाइट हाउस कैसा दिख रहा है, काफ़ी ऊँचा लाइट हाउस है, और साइड में ही इसकी रेलिंग्स वगैरह भी बना रखी हैं। बाकी कापू बीच में टॉयलेट वगैरह और बने हुए हैं, और छोटे मोटे स्टॉल भी खाने वगैरह के लिए, टी कॉफ़ी के लिए बने हुए हैं। और जैसे आप इंटर करते हैं तो प्रॉपर बीच जैसा काफ़ी स्टॉल शॉप्स वगैरह भी बने हुए हैं। तो बाकी बीचे जैसे मैंगलोर में विज़िट किए थे, उनसे थोड़ा सा ये बेटर दिख रहा है। बाकी लाइट हाउस से आकर के नीचे देखना एक अलग एक्सपीरियंस है।
चलो मित्रों, तो यहाँ की विज़िट कंप्लीट हुई। अब यहाँ से पिथरोदी उदयवार बीच चलते हैं, जहाँ पे उदयवार रिवर और साइड राइट साइड में अरेबियन सी वहाँ पर कंबाइन होते हैं। यहाँ से हार्डली 20 to 25 किलोमीटर है वो। अब वो जगह भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है, और देखते हैं वहाँ पर कैसे रिवर और अरेबियन सी एक साथ मिक्स हो रहे हैं। मैग्निफिशेंट, ऐसा नज़ारा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है गाइस। मतलब फाइनली इस जगह पर आ गए हैं जहां पर अरेबियन सी और उदयवार रिवर मिल रही है। तो अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं, एक साइड में मैं आपको दिखाता हूं जहां से अरेबियन सी है, और दूसरी साइड में दिखाता हूं आपको उदयवार रिवर कहां से आगे जाकर मिल रही है। और थोड़ी दूर में मैं अपने गोप्रो को ट्राई करूंगा कि अपने कार के ऊपर रख सकूं, जिससे आपको ये पूरी सीनिक रोड की एक व्यू अच्छी खासी मिल सके। सी मीटिंग पॉइंट आ गया जहाँ से उदयवार रिवर अरेबियन सी से मिल रही है। पीछे आप कारें खड़ी देख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे कारें जाना अलाउड नहीं है, बट दिस इज़ द एंड पॉइंट। तो मैं बस अब पैदल चल रहा हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ वो मीटिंग पॉइंट। सो फाइनली ये रहा वो मीटिंग पॉइंट जहाँ पर उदयवार रिवर अरेबियन सी से मीट कर रही है। ये राइट साइड में आ रही है उदयवार रिवर, और ये आगे जा कर के ये जो रॉक का वे बना हुआ है उधर से लेफ्ट साइड से सी पूरा है, और ये आगे जा कर के दोनों मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये रोड देख रहे हैं, ये इंड आफ्टर रोड है। ये देखिए इधर लहलाता हुआ बिग अरेबियन सी, और राइट साइड में ये रही हमारी उदयवार रिवर जो कि यहाँ से आ रही है। यहाँ पर कुछ पोर्ट्स वगैरह भी बने हुए हैं, बाकी और भी बीचेस, मालपे बीच वगैरह भी यहाँ पर आगे से कनेक्टेड हैं, जहाँ पर हम आगे जाएंगे फेरी लेकर के सेंट मैरी आइलैंड के लिए। कुछ मछुआरे वगैरह भी यहाँ पर फिश वगैरह पकड़ रहे हैं। मालपे बीच जाते वक्त मुझे रास्ते में ये पोर्ट सा दिखा हुआ है, जहाँ पर लोकल मछुआरों की बहुत सारी बोट लगी हुई है, और काफ़ी यहाँ पर फिश वगैरह की स्मेल आ रही है। तो आई थिंक ये यहाँ का पोर्ट है जहाँ से सारी फिशिंग बोट वगैरह निकलती है। मालपे बीच आ चुका है, और पार्किंग का टिकट लेने के बाद गाड़ी आप यहाँ पे बीच के किनारे तक ला सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं। और मैंने पता किया तो सेंट मैरी आइलैंड की फेरी अभी नहीं चल रही है, अनफॉर्चुनेटली सेंट मैरी आइलैंड मिस हो जाएगा। बट मैंने आप लोगों के लिए डेट पूछ ली कि कब से ये स्टार्ट होने वाली है, तो इस 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगी। तो अगर आप आ रहे हैं तो 1 सितंबर के बाद आने का ट्राई करिए, ताकि ये सेंट मैरी आइलैंड मिस ना हो। तो शाम के 6 बज गए हैं और जल्दी सनसेट होने वाला है। सामने मालपे बीच का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो आप लोग देखिए और इसे एंजॉय करिए। सो गाइस, मालपे बीच पे सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, एक होटल डायना करके उडुपी में है, बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ का वेज कटलेट और गड़बड़ आइसक्रीम बहुत ही अच्छी है।
तो प्लान ये है कि वहाँ जा कर के थोड़ा सा खाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ जो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध श्री कृष्ण मठ है, जो हमारे गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ पर जा कर के मैं दर्शन करूँगा। वो मंदिर 9 बजे रात तक खुला रहता है, तो काफ़ी भव्य मंदिर है, मठ बहुत फेमस है और दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं, तो हमारे दिन का अंत उसी मंदिर से होगा। बाकी आप लोग इनका मेन्यू वगैरह देख लो। सो ये मेन्यू आइटम्स हैं, डोसा वगैरह भी अवेलेबल है, बाकी आइसक्रीम और बाकी स्नैक्स आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। हमारा वेज कटलेट आ चुका है। तो अच्छा गड़बड़, मैंने बैंगलोर में भी टेस्ट किया, बैंगलोर में भी खाया है, उडुपी में भी खाया है। आई थिंक 3 जगह टेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट लग रहा है। और आइसक्रीम के साथ साथ उन लोगों ने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आइटम वगैरह भी इस पर डाल रखे हैं, सो दैट्स अ रियली वेरी गुड टेस्ट। उडुपी के प्रसिद्ध श्री कृष्ण मठ पर मैं इस समय आ चुका हूँ। ये समय आरती का है, तो इस समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई, काफ़ी लंबी लाइन है। मैं ट्राई करता हूँ कि एंट्री हमारी हो जाए, क्योंकि टेंपल 9 o'clock तक क्लोज हो जाता है। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, ये टेंपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है, और टेंपल नहीं, इसे आप मठ ही कहिए, बिकॉज बाकी डिवोशनल एक्टिविटीज़ रहने की और बाकी आसपास इसमें बहुत सारे मंदिर कंबाइंड है, तो बहुत ही सुंदर जगह है और काफ़ी भव्य लग रहा है बाहर से। अंदर आरती चल रही है, मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी एंट्री हो सके। करीब 45 मिनट्स वेट करने के बाद भी अभी तक एंट्री नहीं हो पाई थी और लाइन वहीं पर रुकी हुई थी, तो अब मैंने सोचा कि फिर आज का प्रोग्राम यहां पर छोड़ते हैं, बिकॉज़ दर्शन भी नहीं हो पाएंगे और बंद भी हो जाएगा टेंपल। तो हमारा कल का प्रोग्राम क्या रहेगा, हम लोग यहां से उडुपी से श्री मुरुदेश्वर जा रहे हैं, जहाँ पर शिव जी के दर्शन करने जाएगी, उनकी विशाल प्रतिमा और मंदिर है वहाँ पर। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मॉर्निंग में जल्दी उठ सकूँ, क्योंकि ये मंदिर 5 बजे खुल जाता है, तो अगर मुझे सुबह सुबह आकर यहाँ पर दर्शन हो गए तो मैं आप लोगों को फिर ये कल के एपिसोड में इंक्लूड कर दूँगा। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से होटल, और होटल का मैं आप लोगों को थोड़ा सा टूर दे देता हूँ फिर वहाँ। ये गाइस, सो मैं अपने होटल में आ चुका हूँ और मैं रुका हूँ टी ट्री होटल में। तो बेसिकली ये हमारे श्री कृष्ण टेम्पल से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो चलिए मैं आपको फटाफट एक रूम का टूर दे देता हूँ। ये रूम का एंट्री गेट है, इसके जस्ट रूम में घुसते ही आप लोगों को ये दिख जाएगा। ये राइट साइड में टीवी दिया हुआ है, इधर एक विंडो है जिससे सिटी व्यू वगैरह दिखता है। अभी तो खैर कुछ खास आपको दिखेगा नहीं, नाइट हो चुकी है। इधर एक सिंगल बेड दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, और ये चेयर बेसिकली ये जहाँ पर ये कॉफ़ी वगैरह बनाने के स्टेशन है, इसके लिए दी गई थी, बट मैं कुछ काम कर रहा था तो इसलिए मैंने खिसका ली। बाकी इधर इन्होंने टी कॉफ़ी वगैरह का यूजुअल आइटम, वाटर बोतल दे रखी है। यहाँ पर मेरा सामान वगैरह, लैपटॉप पड़ा हुआ है। उधर साइड में ये वार्डरोब टाइप के दिए हुए हैं सामान रखने के लिए, जिसे मैंने अभी खोला नहीं है। इधर फ़ोन है, टिश्यू पेपर वगैरह दिया हुआ है।
बाकी यहाँ पर फैन दिया गया है, लाइट्स वगैरह है और एसी वगैरह इधर दे रखा है, ये मिरर है। और फिर इधर रहा बाथरूम, सो नीट एंड क्लीन बाथरूम फॉर एज ए स्टैंडर्ड होटल में जो रहता है, टॉवल्स वगैरह। और बाकी ये मिरर वगैरह दिए, बेसिक टॉयलेटरीज वगैरह दे रखी है, तो ये एज ए नॉर्मल स्टैंडर्ड होटल में जो दिया जाता है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, बिकॉज हमारा ये कोस्टल कर्नाटका का टूर नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रहेगा। कल हम लोग उडुपी से निकलने वाले हैं श्री मुरुदेश्वर, जहाँ पर शिव जी का जो मंदिर है जो जस्ट सी के साइड में है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। कल है 15 अगस्त, सो बहुत स्पेशल डे है, इंडिपेंडेंस डे है, तो उसकी एक अलग तैयारी करिए, बट मैं आप लोगों को वो कल ही रिवील करूँगा। तो घूमते रहिए मनी के साथ, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।